हाय फ्रेंड्स, पहले दिन जैसा आज भी मैं और एग्जाम नोटिफिकेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। ये जो आप नोटिफिकेशन आए हैं इंडियन नॉबी से, और यहाँ पर जो पोस्ट वो है ट्रीटमेंट मेड है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 554 है। और इस वीडियो पे मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और पर मंथ सैलरी किया है, और कब ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, ऑल डिटेल्स इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कोई भी फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दोस्तों ये जॉब है इंडियन नेवी जॉब 2019, ओके। और वैकेंसीज देखिए, जो पोस्ट नेम है ट्रेड्समैन मैट, और क्वालिफिकेशन देखिए 10 पास और आईटीआई। उसके बाद वैकेंसी देखिए, टोटल वैकेंसी है 554 पोस्ट, और सैलरी देखिए पर मंथ 18,000 टू 56,900 पर मंथ। और एक्सपीरियंस देखिए फ्रेशर्स, और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया है जॉब, ओके ये जॉब। और लास्ट डेट टू अप्लाई देखिए, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 15 मार्च 2019। और मैं अभी देखूंगा दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो सारे डिटेल्स डिस्कस करके देखूंगा आप लोगों के सामने, तो वीडियो को देखते रहे। देखिए दोस्तों, द इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, ओके 2019। और यहाँ पर देखिए, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ओके यहाँ पर वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, यह है वेबसाइट, यहाँ पर आप लोग लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर लॉगिन करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट वो है ट्रेड्समैन मेट, ओके जो ग्रुप सी इंडस्ट्रियल एब बेरस्ट कमांड, ओके और अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव कमांड्स। देखिए दोस्तों, ट्रेड्समैन मेट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड इंडस्ट्रियल, और पे बैंड एस पर 7, ओके सीपीसी, ठीक है लेवल 1, और रेस 18,000 टू 56,900, यह है पर मंथ सैलरी। और उसके बाद देखिए दोस्तों कमांड्स, और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर सारे कैटेगरी है यू आर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस टोटल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओके ई एम एस और पी डब्ल्यू बी डी एस। फर्स्ट पे जो पोस्ट वो है देखिए हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नबल कमांड्स विशाखापट्टनम, ओके एस क्यू ई एन सी, यू आर के लिए 20 है, एस सी के लिए 7 है, एस टी के लिए 03, ओ बी सी के लिए 12 है, और ई डब्ल्यू एस के लिए 4 है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर सारे कैटेगरी मिलके 46 है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए 5 है, और पी डब्ल्यू बी डी एस के लिए 2 है, ओके हेड क्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड्स मुंबई एस क्यू डब्ल्यू एन सी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है सीट वैकेंसी, टोटल 502 है। देखिए यू आर के लिए 227 सारे, ओके कैटेगरी मिल के टोटल 502 है, और एक सर्विसमैन के लिए 50 है, और यहाँ पर पी डब्ल्यू बी डी एस के लिए 33, ओके और उसके बाद देखिए दोस्तों थर्ड नंबर पे हेड क्वार्टर्स शॉर्टेंड नेवल कमांड्स कुसी, ठीक है एस क्यू एस एन सी, उसके लिए टोटल वैकेंसी है ऑल कैटेगरी मिलके 6 है, ओके और एक सर्विसमैन के लिए नील, और बी डी एस डब्ल्यू पी डी एस के लिए। और देखिए दोस्तों एज बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम 25, और रिलैक्सेशन भी है देखिए एस रिलैक्सेशन, ओके कैटेगरी, और यहाँ पर एस रिलैक्सेशन एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स है रिलैक्सेशन,
और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और पीडब्ल्यू बीडीएस के लिए भी ये है, यू आर टेंट ओबीसी 13 ये है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, 10 पास ओके, उसके साथ आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और देखिए दोस्तों नेचर ऑफ ड्यूटीज जॉब प्रोफाइल, यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए जो ड्यूटीज है यहाँ पर क्या क्या ड्यूटी करना है, देखिए वर्किंग इन प्रोडक्शन और मेंटेनेंस, जनरल क्लीनिनेस, क्रेइंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर्स ओके, उसके बाद फोटो कॉपी, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ फैक्स, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, क्लीनिंग एंड बिल्डिंग ओके। देखिए दोस्तों एग्जाम फीस, यहाँ पर कैंडिडेट ओके एक्सेप्ट एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एस एक्सन एंड वुमेन्स के लिए एग्जाम फी फ्री है, और अदर कैटेगरी के लिए 205 रुपीज ओके एग्जाम फी। ये भी देखिए ऑनलाइन माध्यम से पेड करना है, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर ओके, रुपी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनी वन से आप पेड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एग्जाम सेंटर, ठीक है, ऑप्शन फॉर चूज ऑफ मेथ अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा तो आप एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस ये है, उसके बाद स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पार्ट और सब्जेक्ट, देखिए कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम होगा और कितना मार्क है, ठीक है। फर्स्ट पेज जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल मार्क 25 है, उसके बाद नंबरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश 25, जनरल अवेयरनेस 25, टोटल 100 से एग्जाम होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करके डाउनलोड करके ले सकते हैं ओके। और देखिए दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करने के टाइम पे मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल आईडी दिया था, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा ओके एग्जाम के लिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट है। उसके बाद देखिए दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस ओपनिंग डेट है, देखिए एट ओके 1000 आवर्स ऑन 2 मार्च 2019 से ओपन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और लास्ट डेट देखिए दोस्तों क्लोजिंग डेट, ठीक है, 1700 आवर्स ऑन 15 मार्च 2019, ठीक है, ये क्लोजिंग डेट। और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट, ये वेबसाइट है देखिए www.jointindiannavy.gov.in, यहाँ पर जाके ज्वाइन नेवी पे क्लिक करना है, उसके बाद वेस्ट टू ज्वाइंट यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद सिविलियंस ओके, उसके बाद ट्रेड्समैन मेट TMM यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है लास्ट डेट, मैं पहले देखाया, और देखिए फॉर एनी क्लेरिफिकेशन असिस्टेंट ओके कैंडिडेट वे राइट टू आस एट, ठीक है, ईमेल, यहाँ पर ईमेल है ऑफिशियल, आप लोग यहाँ पर कोई भी डाउट से तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आप लोग इस पोस्ट पे इंटरेस्ट है तो और एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करना, और इस वीडियो को आप लोग पसंद किया तो ज़रूर लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।